وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة ومنه فيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माय बहनों और मेरे छोटे भाइयों, हर किस्म के हम्द व सना उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत और ज़ेबा है जिसने साबिका उम्मतों में से किसी उम्मत को भी जुमा के दिन को मुकद्दस नहीं किया, लेकिन उसने हम लोगों को यानी उम्मते मोहम्मदिया के लिए जुमा के दिन मुकद्दस बनाया। लाखों दुरूद सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के आपको हादी बनाकर मुबशिर बनाकर हम तमाम की तरफ में मबूस फरमाया। सामने कराम, आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूं, मेरा मौजू है जुमा के मसाइल और अहकाम। हमने इस उनवान का इंतखाब इसलिए कर रखा है कि आमतौर पर बहुत सारे मौजूद पर, बहुत सारे अनामीन पर हम लोग सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं, लेकिन जिस चीज की अहमियत हमारे सामने पेश नजर होना चाहिए, जैसे जुमा का दिन है और इस दिन हम माशाल्लाह खुसूसी तौर पर अपने कामों को आगे और पीछे कर लेते हैं और अपनी तिजारत को बंद कर देते हैं, कहीं जाना भी हो तो हम रुक जाते हैं, मस्जिद से हम दूर भी हो तो गाड़ी से या पैदल मस्जिद को चल कर आते हैं, वक्त की पाबंदी भी करते हैं। तो इन तमाम चीजों के पेश नजर अगर हमें जुमा के बारे में मसाइल का भी इल्म हो जाए और इसके अहकाम का भी इल्म हो जाए, तो जो हम यहां पर वक्त लगा रहे हैं, जिसकी खातिर हम एहतमाम कर रहे हैं, वो हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है अगर हम शुरू तौर पर इन बातों का अगर ख्याल रखें इंशाअल्लाह। तो इन चीजों के पेश नजर मैंने इस उनवान का इंतखाब कर रखा है। समझने के लिए जुमा ये वर्ड बहुत ही मशहूर है, हर छोटे बच्चे के जबान पर भी जुमा का लफ्ज आम है। क्या मतलब है जुमा का? जमा यजमाउ जमान के माने जमा होने के आते हैं और जमा करने के भी आते हैं। यौमुल जुमा ऐसा दिन जिसमें मुसलमान इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं, उसको जमा होने का दिन यानी जुमा का दिन कहा जाता है। और जुमा का दिन जिसमें हम बड़ी पाबंदी से जो है आते रहते हैं, तो बेहतर है इस मौके पर हम इसकी फजीलत से भी वाकिफ हो जाएं और इसकी अहमियत से वाकिफ हो जाएं, जिसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरु यौमिन तलअत फीही शम्सु। दिन का कॉन्सेप्ट किसमें आता है? दिन जिसको कहते हैं जिसमें सूरज टूटू होता है उसको दिन कहा जाता है। जितने दिनों में सूरज टूटू होता है, जिस दिन भी सूरज टूटू होता है, उन तमाम के तमाम दिनों में अगर सबसे फजीलत वाला दिन हो सकता है तो यौमुल जुमा, ये जुमा का दिन हो सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जितने दिन हैं सारे के सारे दिनों में जुमा का दिन सबसे
मस्जिद में दाखिल किया गया, जुमा के दिन ही जन्नत से निकाला गया और इसी जुमा के दिन भी कियामत कायम होने वाली है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और जुमा की अहमियत बताते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक मकाम पर फरमाया, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अदल्लाहु अनिल जुमअति मन काना क़बलना, हमसे पहले जितने अक़वाम थे, हमसे पहले जितनी कौमें थी, जितनी उम्मतें थी, उन तमाम से जुमा की फजीलत को अल्लाह तबारक व तआला ने पोशीदा रखा। किसी कौम को जुमा की फजीलत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं बतलाया बल्कि पोशीदा रखा। फकार यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मुकद्दस बनाया गया, वो नसारा के लिए, क्रिश्चियन के लिए मुकद्दस बना गया। फजअल्लाहु बिना, अल्लाह हमको लाया, फहदानल्लाहु लियौमिल जुमा, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सामने जुमा का दिन लाकर खड़ा कर दिया, जुमा की फजीलत हमारे सामने बता दिया और जुमा को हमारे लिए मुख़सस कर दिया गया। पहले जुमा सबसे बड़ा हमको दे दिया, उसके बाद यहूदियों को हफ्ता नसारा को दे दिया, फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कल कयामत के दिन भी उम्मत मोहम्मदिया का हिसाब किताब सबसे पहले होगा, उसके बाद ही दूसरे अक़वाम का हिसाब किताब होगा। दुनिया में आने में हम सबसे आखिर में हैं, यहूदी हमसे पहले आए, नसारा हमसे पहले आए, सारे के सारे लोग पहले आए, लेकिन हम आखिर में आ रहे हैं। उसके बावजूद भी कल कयामत के दिन हमारा हिसाब किताब करते रहते हैं, बाजू वालों से खुस खुस करते रहते हैं, बाजू वालों से बातें करते रहते हैं,
सुनते रहे। और एक जगह कितनी प्यारी बात कहता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माना कि हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعه غسل جنابه جو आदमी जुमा के दिन गुस्ल करता है ثم راح फिर मस्जिद को निकल पड़ता है فكأنما راح بدنة जो पहले वक्त में मस्जिद में हाजिर होता है अव्वल वक्त वाजिब है।
जुमा के दिन खुसूसी तौर पर गुस्ल करना होगा। अच्छा, ये गुस्ल कब करना? कुछ लोग जुमेरात के शाम में ही गुस्ल करके सो जाते हैं, तो क्या वो गुस्ल जो है काफी हो जाएगा? या फजर में गुस्ल करना है, या जुमा से आए वक्त में जो है गुस्ल करना है? गुस्ल कब करेंगे, किस वक्त गुस्ल करेंगे? तो हदीस में आता है, इदा जा अहदुकुम जुमा फलयगतसिल, जो आदमी जुमा को आना चाहता है तो गुस्ल करके आए। तो वह यूं मालूम हो रहा है कि जुमा से पहले गुस्ल करना चाहिए, यानी जब हम यहाँ आते रहते हैं तो गुस्ल करके आना। हाँ, और जो है वक्त शुरू कब होता है? तो उलमाए कराम ने कहा तुलुए फजर के बाद। तुलुए फजर का मतलब ये है कि फजर की अजान जब हम देते हैं ना, तो फजर की अजान देने के बाद, यानी फजर की अजान देने का जो टाइम होता है, उस वक्त से जुमा का गुस्ल का वक्त शुरू हो जाता है। इसका दूसरा मतलब ये मान हुआ कि अगर कोई रात में गुस्ल करके सो जाता है तो जुमा का गुस्ल शुमार नहीं होता, बल्कि फजर के बाद गुस्ल हम करेंगे तो ही जुमा का गुस्ल शुमार हो सकता है। तो जो है गुस्ल करके मस्जिद में हाजिर होना चाहिए, और खुसूसी तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उम्दा लिबास का एहतमाम करते थे। क्या करें, हाँ।
माशाल्लाह हाँ इशारा। इसके बाद हम कोशिश करेंगे आस पास के जो है लोग पैदल जो है मस्जिद को हाजिर होए, और अगर कोई दूर दूर से आता है माशाल्लाह, कोई 4 किलोमीटर से, कोई 5 किलोमीटर से, कोई 10 किलोमीटर से यहाँ से हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मजबूरी की जो है ख्याल करते हुए उनको भी हर कदम पर 1 साल के जो है रोजे और 1 साल कियामुल्लैल का सवाब अता फरमाए। क्यों 10 किलोमीटर से कोई पैदल चलकर तो नहीं आ सकता है बेचारा, उस मजबूरी की बिना पर वो गाड़ी पर आ रहा है, तो गाड़ी पर आने के बावजूद भी हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन से कि परदिगारा तू मजबूरी को जाने वाला है, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है, अरे वो अगर इससे बढ़कर दे तब भी कोई कमी होने वाली नहीं, और अल्लाह बखील भी नहीं है माशाल्लाह, है ना भाई, बखील भी नहीं अल्लाह ताला। तो जितना हो सके जो है पैदल चलकर हाजिर हो, अगर पैदल चलकर आना मुमकिन ना हो तो गाड़ी में आए, और चलकर आने की सूरत में एक कदम पर 500 कदम अगर कोई चलकर मस्जिद को आता है, एक आइडिया ऐसे हो सकता है यार, कोई आदमी यानी गाड़ी से दूर से 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर से आ रहा है, हाँ वहां से गाड़ी पे आ रहा है, अभी जो है यानी यूं समझो आप 1.5 किलोमीटर दूर जो है आधा किलोमीटर दूर अगर जो है गाड़ी से उतर कर जो है वो पैदल आना शुरू करे तो मुमकिन है वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह, यानी दो के दो मिल जाएंगे उसको इंशाल्लाह, भाई गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी लेकर चल जा पाए, गाड़ी लेकर आ जा रहा बस ये पैदल वहां से आ रहा है, क्यों उनके दिल में हदीस से मोहब्बत है और उनके दिल में अजर कमाने की ख्वाहिश है, ये सारे काम अंजाम दिए जा सकते हैं हर कदम पर 1 साल के रोजे 1 साल बहुत ही अजमत वाला दिन है और इसमें हाजिर होना चाहिए, और इसी तरह इस जुमा के दिन सूरह कहफ का भी एहतमाम करना चाहिए, अगर आपके पास टाइम है वक्त है जल्दी मस्जिद पर हाजिर हो रहे हैं तो आपके आस पास में सारे कुरान भर दिए गए हैं माशाल्लाह, सूरह कहफ का भी एहतमाम करते रहे, ये भी बड़ी फजीलत वाला दिन है और फजीलत वाला अमल है। इसी तरह जुमा का दिन जो होता है जुमा के लिए सारे के सारे लोग बैठे हुए रहते हैं, तो ऐसे मौके पर कोई आदमी कंधों को फलांग फलांग कर मस्जिद के अंदर आगे ना बढ़े, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया है, यानी सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं, आदमी ताखिर से आता है लेट से आता है वो देखता है कि सामने जरा जगह बची हुई है, सबको फलांग फलांग कर सामने आकर बैठता है। इसी तरह खुतबा चल रहा था, मस्जिद में ताखिर से पहुंचने के बावजूद भी आओ आगे बढ़ने की ख्वाहिश कर रहे थे, नबी की नजर जैसे ही उन पर पड़ी आपने कहा इजलिस बैठ जाओ, फकत आदित ना तुम लोग को तकलीफ दी, यानी नबी गुस्सा आ गया, नबी को खुद पे करना गुस्सा आ गया, भाई तुम लोगों को तकलीफ दे रहे हो, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, आगे जो है कंधों को फलांग कराने की जरूरत नहीं है, अगर ख्वाहिश है सामने आने की तो पहले जो है
अगले तरफ रहते हैं, क्या तुमने दो रकात नमाज पढ़ी है? फरमाया या रसूलुल्लाह, साहब ने कहा अल्लाह के रसूल नहीं पढ़ा मैं अब तक। तो आपने कहा तुम खड़े हो जाओ, फरका कहते ही खफीफे देनी, दो रकात मुख्तसर नमाज पढ़ कर बैठ जाओ। तो मालूम हुआ कि बैठने से पहले पढ़ना चाहिए, बैठ कर फिर उठ कर खड़े होकर नहीं पढ़ना चाहिए। और इसी तरह जो है खुतबे के दौरान खुद भी खामोश रहना है और दूसरों को खामोश रहो, बोलना भी नहीं है कि जो क्या कर रहा कर सो। इदा कुलत लिसाहिबि का यौम अलजुमा के अंसिद फकद लगौता, बुखारी की बात है। तुम जुमा के दौरान बैठे हुए हो, कोई बासु वाला डिस्टर्ब कर रहा है, एक खातून बैठी हुई जुमा सुन रही, गौर से सुन रही, बासु वाले बैठ कर बातें कर रहे थे, उसको गुस्सा आएगा भाई हम इतनी दूर दूर से सुनने के लिए आते हैं, अब ये बातें करते रहते हैं, ये खुद भी नहीं सुनते हैं और दूसरों को सुनने नहीं देते, ये खुद भी जाए इस्तीफा देने का तो दूसरों को इस्तीफा करने का मौका नहीं देते। तो ऐसे खवातीन से मैं कहूंगा कि अगर आपको बात करना ही है, जरूरी है, तो बराए करम मस्जिद में आकर बातें ना करें, अपने घरों में उनको दावत दें, फोन करें, बुलाएं और खिला पिला कर बातें करें। मस्जिद में खुतबे के दौरान अल्लाह के वास्ते बातें ना करें। क्यों? जो सुनना चाहता है वो आपको रोक भी नहीं सकता, जो सुनना चाहता है, जो सुनना चाहती है वो आपके डिस्टर्ब करने की सूरत में रोक भी नहीं सकती। अगर रोके तो प्रॉब्लम, फकद लगौता, अनसिद खामोश रहो अगर कहें तो भी प्रॉब्लम, ना बोले तो भी प्रॉब्लम, कितना बड़ा कठिन मरहला है। जो खवातीन बातें करते हैं वो सबके लिए आजमाइश है, वो खुद भी जो है यानी अजय से महरूम हो जाती है और दूसरों के लिए आजमाइश बन जाती है। अगर वो ना बोले तो डिस्टर्ब सुन नहीं पाते हैं, अगर बोले खामोश रहो तो अजय से महरूम हो जाती है। तो सुनने वाले यानी शूर वाले खवातीन में बहुत बड़ी आजमाइश है। बातें करने वाले खवातीन बराए करम खामोश रहे, अगर बातें करना ही चाहती है तो निकल कर बाहर जाए, आपकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? जो शोर वाली खवातीन उनके डिस्टर्ब बनकर आ रही है, आजमाइश बनकर आ रहे हैं। ओके, और उसके बाद जुमा का वक्त जो है सवाल के बाद शुरू होता है। जुमा का वक्त सवाल के बाद यानी सूरज सेंटर से हट जाता है, जुमा का शुरू हो जाता है। कुछ लोग देखेंगे आप लोग अब जुमा से फारिग हो गए, फिर घर में खाना भी खा लिए, अपने अपने जो है कारोबार में जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो कुछ लोग बड़ी तेजी से गाड़ी दौड़ाते नजर आएंगे आप, सड़न जो है मस्जिद रुक करेंगे, क्यों भाई कहाँ जा रहे हैं? नहीं मौलाना साढ़े तीन का जुमा है। ओ साढ़े तीन का जुमा पढ़ने जा रहे ऐसा है भाई, इतना लेट क्यों? नहीं मौलाना साढ़े तीन इसलिए रखे यहाँ पर क्योंकि कुछ लोग कारोबार में रहते, मसरूफ रहते, खिलाफ रहते, सबकी सड़क की खातिर साढ़े तीन बजे, सबकी सड़क की खातिर तीन बजे, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, अपने आप को बदलना नहीं चाहते, कारोबार को रोकना नहीं चाहते, बल्कि नमाज को रोक देना चाहते हैं और जो है जुमा को रोक देना चाहते हैं। नहीं गलत, आपको वक्त पर ही पढ़ना पड़ेगा, अपनी सड़क के मुताबिक नमाज रख लिया, कोई दो बजे, कोई तीन बजे, कोई साढ़े तीन बजे रख लिया, ये चलने वाली बात नहीं है। जैसे टाइम शुरू हो जाता है जुमा कंडक्ट करना चाहिए और लेट और ताखिर नहीं की जा सकती है। और इसी तरह जुमा के दिन एक कज़ा है, जुमा के दिन एक कज़ा होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक कज़ा हुआ करती थी, और उमर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक कज़ा हुआ करती थी, और उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला के ज़माने में एक कज़ा हुआ करती थी। जुमा के दिन अल्लाह के रसूल के ज़माने में और उमर सिद्दीक के ज़माने में उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला के ज़माने में एक कज़ा हुआ करती थी। हजरत उस्मान गनी का ज़माना आ गया, लोग फैल गए, लोग ज़्यादा हो गए, मार्केट और आगे बढ़ता रहा, यहाँ के अज़ाब उनको समझ में नहीं आती थी, यहाँ के अज़ाब उनको सुनाई नहीं देती थी, और उस वक्त कोई घड़ी का रिवाज भी नहीं था कि घड़ी को देखकर जो है हाजिर हो जाए, कोई सिस्टम नहीं था, यहाँ की आवाज़ उनको पहुँच भी नहीं रही है, प्लस उनके पास घड़ियाँ भी नहीं, वक्त समझ में नहीं आता था। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु
इसी तरह अगर कोई जुमा में हाजिर होता है और जो है बेचारा इतना मसरूफ, इतना मसरूफ, इतना कारोबार, इतना कारोबार कि मस्जिद को हाजिर होता है तो कभी एक रकात उसको मिल जा रही है, कभी दो रकात उसको मिल जा रही है, कभी फिर एक रकात भी उसको नहीं मिल रही। जुमा में हाजिर हुआ, एक रकात पढ़ चुके अब हाजिर हो रहा है, दो रकात पढ़ चुके अब हाजिर हो रहा है, अगर एक रकात कम अज कम उसको मिल रही है तो जुमा उसके लिए काफी हो जाएगा। एक रकात भी उसको नहीं मिली, इमाम साहब सज्जे की आखिरी रकात के सज्जे में थे या आखिरी कायदे में थे तब हाजिर हो रहा है, वो जुमा नहीं पड़ेगा बल्कि जोहर की नमाज पढ़ेगा। कायदे में आकर मिलता है, तशहुद में आकर मिलता है तो वो जुमा नहीं पड़ेगा बल्कि वो जोहर की नमाज अदा कर लेगा। ये जो है कानून बताया जाता है। और जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें बंदा जो दुआ करे कबूल कर लेता है। एक घड़ी कब है इस मुख्तलिफ अखबार हो सकते हैं। किसी ने कहा जब इमाम खुतबा देता रहता है उस वक्त जो है दुआ करना होगा, इमाम जब बैठता है उस वक्त दुआ करना होगा, जो है इमाम जो है मुअज्जिन जुमा अजान देता है उस वक्त दुआ करना है, असर से लेकर मगरिब का वक्त है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें कही हैं लेकिन जुमा के दिन का ऐसा वक्त है जिसमें बंदा जो दुआ करेगा अल्लाह कबूल करेगा, बशर्ते कि वो जायज दुआ हो, जायज उसका मुतालबा हो। और इसी तरह क्या कहते हैं उसको जुमा के दिन फजर की नम फजर की जो है नमाज में सूरह सजदा और सूरह दहर का इहतमाम करना चाहिए। और जुमा की नमाज में आमतौर पर आपने देखा होगा कि सूरह आरा और सूरह गाशिया का इहतमाम किया जाता है, ये भी सुन्नत का तरीका है। इसी तरह सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून भी पढ़ना ये भी सुन्नत से साबित है। तो ये मुख्तसर सी जो बातें जुमा के ताल्लुक से हम दुआ करते हैं कि बारी ताला तो हम तमाम को जुमा में पहले से पहले आने की तौफीक अता फरमा, जुमा में हाजिर होने के बाद बात करने से जो हमें बचा लेना और किसी लघु बातें करने से बचा लेना, और जो सवाब तुम कर रखा है वो सारे के सारे सवाब